क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिज़ाइनर कुर्तीस के पैटर्न बताऊंगी, जिससे कि अगली बार जब भी आप अपनी कुर्ती को डिज़ाइन करना चाहें या अपने टेलर को कपड़ा देना चाहें तो आप इन सारे डिज़ाइंस को भी एक बार ज़रूर नज़र में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टाइलिंग टिप्स दूंगी जो कि शॉर्ट हाइटेड वुमन्स के लिए हैं, स्पेशली क्योंकि शॉर्ट हाइटेड वुमन्स को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि हम किस तरह की कुर्तीज़ ट्राई करें कि हमारी जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टिप ये है कि आप कुर्तीज़ में अनारकली स्टाइल जो कुर्ती होती है, कलीदार, उसे ट्राई करें। कलीदार अनारकली कुर्ती में जो लंबी लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, उसकी वजह से जो है एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आपकी हाइट जो है वो थोड़ी लंबी दिखाई देती है। तो आप इस तरह की जो फ्लोई फ्लोर लेंथ की अनारकली कुर्तीज होती हैं वो आप ज़रूर पहन सकती हैं, लेकिन वो जो कलीदार होनी चाहिए तभी उसमें आपकी जो अपीयरेंस है वो हाइटेड दिखेगी। इस तरह की आप कुर्तीज़ ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो स्ट्रेट कुर्तीज़ हैं। अगर आप शॉर्ट कुर्तीज़ पहनती हैं नी लेंथ तक, तो उसकी वजह से आपकी जो हाइट है वो शॉर्ट दिखती है। तो आप उसकी जगह जो हमारी नी लेंथ के नीचे जो हाइट स्ट्रेट कट कुर्तीज़ होती है, सिंपल जो साइड स्लिट्स वाली होती हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट और लॉन्ग होनी चाहिए, तभी एक वो इल्यूजन क्रिएट होता है कि जो हाँ आपकी जो हाइट है वो लंबी है। अगर आप उसे प्लाजोस के साथ पहनना भी चाहते हैं तो आप जो सेम कलर की कुर्ती है उसी कलर का आप प्लाजो पहने, तभी जो है वो एक वर्टिकल लाइन पूरी क्रिएट होगी जिसकी वजह से आपकी जो हाइट है वो लंबी दिखेगी। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप डीप नेक्स ट्राई करें, क्योंकि जो शॉर्ट नेक्स होते हैं उसकी वजह से आपकी जो हाइट है वो थोड़ी शॉर्टर दिखती है। तो अगर आप डीप नेक ट्राई करें, जिस तरह का वी नेक होता है या फिर स्वीट हार्ट नेक होता है, तो उस तरह की आप अगर कुर्तीज ट्राई करें तो जो ब्रॉडनेस है वो आपकी नेक में जो ब्रॉडनेस है वो अलग ही उठ के दिखती है, और उसकी वजह से जो पूरा फोकस है वो आपके चेहरे पे आ जाता है। तो आपका जो हाइट है वो उसकी वजह से वो उतना फोकस नहीं होता आपकी हाइट पे। तो एक ये भी तरीका है कि आप अपनी हाइट को थोड़ा ज़्यादा दिखा सकें। क्लोज नेक जो होते हैं वो आप बिल्कुल मत ट्राई करें। इसी तरह जो एक और टिप है वो ये है कि आप सॉलिड कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत पतले हैं तो आप अगर डिफरेंट कलर के यूज़ कर रहे हैं कपड़े, उसका जो टॉप पार्ट है वो डिफरेंट कलर है, जो नीचे का बॉटम है वो डिफरेंट कलर है, तो उसकी वजह से भी जो है आपकी जो हाइट है वो शॉर्टर दिख सकती है, क्योंकि आपका जो अपर हाफ और लोअर हाफ है दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो एक लुक है वो शॉर्ट दिखने लगता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो कुर्ती है वो पूरी की पूरी सॉलिड कलर की होनी चाहिए, उसी की वजह से जो एक वर्टिकल फ्रेम क्रिएट हो जाएगा तो आपकी हाइट जो है वो लंबी दिखेगी। एक फिफ्थ ये टिप है कि आप कुछ इलॉन्गेटेड फैब्रिक्स के प्रिंट ट्राई करें। फैब्रिक प्रिंट्स जैसे कि जो डायमंड शेप होते हैं, जो लंबे होते हैं, ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, जैसे बहुत होता है कि आप बहुत छोटे छोटे प्रिंट्स के अगर पहन लेते हैं कपड़े, तो उसकी वजह से भी आपकी जो हाइट है वो थोड़ी शॉर्ट दिखने लगती है। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी कोई भी कपड़ा खरीदें तो उसका जो प्रिंट है वो ब्रॉड होना चाहिए, जैसे बड़े बड़े डायमंड के पैटर्न्स या बड़े बड़े फ्लावर के प्रिंट्स या बड़ा चेक का पैटर्न जो होता है, बड़े बड़े चेक का पैटर्न, तो इस तरह का अगर आप यूज पैटर्न्स ट्राई करें तो आपकी हाइट उसकी वजह से एक जो इल्यूजन क्रिएट होता है वर्टिकल लाइंस का लंबाई वाला, तो उसकी वजह से भी आपकी जो हाइट है वो बड़ी दिखने लंबी दिखने लगती है। तो आप ट्राई करें कि आप बड़े जो मोटिव्स होते हैं, जो बहुत नीटली होते हैं, ऐसे बहुत पास पास नहीं होने चाहिए, दूर दूर के जो प्रिंट्स होते हैं उस तरह का आप फैब्रिक ट्राई करें। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आप फ्रंट स्लिट कुर्ती पहने मैक्सिमम, क्योंकि साइड स्लिट कुर्तीज़ जो ट्रेडिशनल कुर्तीज़ हैं वो अब चलन में नहीं हैं। तो अगर आप साइड स्लिट कुर्तीज़ पहन रहे हैं और उसके साथ अगर आप सेम कलर का प्लाजो पैंट पहन रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक लंबाई में एक वर्टिकल इमेज क्रिएट हो जाती है,
तो उसकी वजह से भी आपकी जो हाइट है वो लंबी दिखती है। तो आप कोशिश करें कि आप फ्रंट स्लिट की कुर्तीज़ जो होती हैं या साइड स्लिट की कुर्तीज़ छोड़ के फ्रंट स्लिट या फिर फ्रंट में ही दो तरह के जो कट्स होते हैं डबल कट वाली कुर्तीज़ वो आप ट्राई करें। उसके साथ आप बहुत अच्छा एक प्लाजो भी पहन सकते हैं, पर वो भी आपको सॉलिड कलर में ही चूज़ करना होगा। सेवेंथ ये टिप है कि आप लेयर्स में पहने। जैसे बहुत से इंडियन जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उसमें बहुत सारा जगह होती है कि आप लेयर्स उसमें बना सकते हैं। तो आप इस तरह कुछ भी कुर्तीज़ अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप उसके साथ एक जैकेट ट्राई कर सकते हैं टॉप में, और उसको स्कर्ट के साथ मैच करके पहन सकते हैं। स्कर्ट की वजह आप जगह आप प्लाजोस भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह के जो लंबे लेयर्स हो जाते हैं, जो लेयर्स आप यूज़ करते हैं उसकी वजह से एक लंबी लाइन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से भी एक टॉलर लुक आता है आपकी पर्सनालिटी में। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आपको कुछ यूज़फुल लगी होंगी। अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और लाइक बटन हिट करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्रिएशंस में, तब तक के लिए शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अपने फैब्रिक को और अच्छा बनाने के लिए। अगर आप इसी तरह के और डिज़ाइंस या कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।